हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श आईएएस एकेडमी। और आज तारीख है 7 मार्च 2020। स्टूडेंट, 7 मार्च 2020 के टॉप 10 करेंट अफेयर के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि सभी छात्र लगातार अपनी जो है हैबिट डाल लें कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको करेंट अफेयर पढ़ना है और अपनी कॉपी में नोटेड करना है। यदि इसी तरह से लगातार आप डेली करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो करेंट अफेयर के साथ साथ आपका जीके भी तैयार होता है, जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्लियर है? तो आज तारीख है 7 मार्च 2020। 7 मार्च 2020 के सभी टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा जो कि आप पहले पढ़ चुके होंगे, तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके देना है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने अभी हाल ही में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आज की करंट अफेयर का। अब बात करते हैं यहाँ पे गैरसैंण की, यानी कि उत्तराखंड ने किया है ये काम, यानी कि उत्तराखंड की इतनी राजधानी, वास्तव में उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है, देहरादून है। बट यहाँ पे इतनी महत्वपूर्ण चीज आई है कि नई राजधानी बनने जा रही है, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो अब आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की वास्तव में जो राजधानी है वो क्या है, वो देहरादून है। क्या है? देहरादून। पहला पॉइंट आपको यहां से बनता है कि उत्तराखंड की वास्तविक राजधानी देहरादून है। अगर बात करें उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर बात करें उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, तो आपको याद रखना है बेबी रानी मौर उत्तराखंड की गवर्नर है, राज्यपाल है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के हाई कोर्ट कहां है, तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो रमेश रंगनाथन। तो ये चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर बात की जाए उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 नवंबर, यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बन चुका था। क्लियर हो गया? उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश भी हैं, यानी चीन और नेपाल। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें 5 हैं, याद रखिएगा उत्तराखंड में लोकसभा सीटें 5 हैं और राज्यसभा की सीटें 3 हैं, और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 70 हैं। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें उत्तराखंड की कुछ झीलें, तो यदि ताल तलैया आ जाए, किसी भी नाम पे ताल तलैया आ जाए, तो वह कहां की झील होगी, उत्तराखंड की। जैसे नैनीताल झील कहाँ की है, उत्तराखंड की है। डोडीताल झील, भीमताल झील, सादताल झील, राकसताल झील, माड़ाताल झील, देवताल झील, कृपाताल झील, झील मिलताल झील, द्रोणा सागर झील, गिरीताल झील, श्यामा लालताल झील, रूपकुंड झील, सातताल झील, नौकुहिया ताल, गौरीकुंड, नदी कुंड, कृपाताल झील, और ये सभी झीलें जो है कहाँ की झीलें होंगी, आप कहेंगे उत्तराखंड की झीलें होंगी। उत्तराखंड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जहाँ जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। अगर हम बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप कहेंगे उत्तराखंड में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोलोई घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड में ही गंगोत्री है, गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन कहां से प्रारंभ किया गया था, उत्तराखंड से प्रारंभ किया गया था। तो इतनी जानकारी इस पहले प्रश्न में मिलती है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, मेरे द्वारा जो जानकारी बताई है वो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में अभी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, हाल ही में भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में माधुरी कनिकर जो है भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन चुकी है। अब यहाँ पे बात आ रही है
कि अभी हाल ही में जो तीसरी लेफ्टिनेंट जनरल बनी है वो कौन बन गई है, वो बन गई है माधुरी कनिटकर। अब हम बात करते हैं माधुरी कनिटकर मतलब किससे ये संबंधित है, इंडियन आर्मी से। किससे? इंडियन आर्मी से, इंडियन आर्मी से। अब इंडियन आर्मी से है तो इंडियन आर्मी के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में चर्चा करूंगा जो आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत भूमिका निभाएगा। इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। अगर हम पूछे आपसे कि बताइए नए थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं, जो थल सेना अध्यक्ष है उसके प्रमुख बन गए हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे, मुकुंद नरवाणे। अगर पूछा जाए आपसे चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस, पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में सीडीएस नियुक्त किया गया, यानी सभी सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है? सीडीएस बनाया गया है बिपिन रावत को। जनरल जो बिपिन रावत है उन्हें सीडीएस बनाया गया, याद रखिएगा बिपिन रावत को। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा आपके। आइए बात करते हैं नए उपसेना के प्रमुख कौन बने हैं। एस के सैनी, एस के सैनी बने हैं, एस के सैनी। अगर पूछा जाए आपसे कि वायुसेना यानी एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे आर के एस भदौरिया। एयरफोर्स के जो प्रमुख अध्यक्ष बने हैं आर के एस भदौरिया बने हैं। अगर पूछा जाए भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन, और साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष बन गए हैं अनूप कुमार सिंह, और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPFS के महानिदेशक बन गए हैं अरुण कुमार, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक है वीके जौहरी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी, और सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक बन गए हैं कुमार राजेश चंद। तो इतनी जानकारी इस पर से मिलती है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ आज के तीसरे करंट अफेयर क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है गूगल भारत में कहां अपना गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने जा रहा है, तो याद रखिएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जो 1911 में प्रस्तावित हुई थी और 1912 में बन गई थी दिल्ली राजधानी भारत की। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे गूगल जो है अपनी जो है गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने जा रहा है नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली आप जानती हैं यहाँ के मुख्यमंत्री है कौन, अरविंद केजरीवाल, जो तीसरी बार जीते हैं। कितनी बार, कौन सी बार? तीसरी बार यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए हैं कौन, अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पे दिल्ली की पहली महिला शासिका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल, दिल्ली की पहली महिला शासिका का नाम रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, जरूर याद रखिएगा रजिया सुल्तान याद रखना है। साथ में दिल्ली के दो पड़ोसी राज्य भी हैं, कौन कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और यूपी, हरियाणा और यूपी दो राज्य जो है पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के। दिल्ली में अगर बात की जाए लोकसभा की सीटें कितनी है, 7 है, विधानसभा की सीटें 70 है, और साथ में राज्यसभा की सीटें 3 है मात्र। आइए देखते हैं इसमें गूगल के बारे में, यहाँ पे गूगल नाम आया है तो गूगल के बारे में जान लीजिए। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि गूगल क्रोम जो है वो इंटरनेट इंटरनेट ब्राउजर है, एक ब्राउजर है, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर हो गया। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है जिसमें आप टाइप करके कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, और गूगल क्रोम क्या है? इंटरनेट ब्राउजर, यानी इंटरनेट गूगल क्रोम से चलेगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गूगल की स्थापना कब हुई थी, सितंबर 1998 में, सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए, यूएसए में कैलिफोर्निया है, और इस संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, और सीईओ बने हैं सुंदर पचई। आपको पता ही होगा सुंदर पचई भारत के हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य के, और मदुरई शहर, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, पता ही हो गया होगा तमिलनाडु के का एक प्रमुख शहर है मदुरई, मदुरई में क्या है मीनाक्षी मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश बिम्स्टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। आपको बताना होगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीलंका। अभी हाल ही में श्रीलंका जो है बिम्स्टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में जानकारी फुल देंगे आपको डिटेल में। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1977 को।
6 जून 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। 6 जून 1977 अगर बात किया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। इसका बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बनता है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हम बात करें तो श्रीलंका किस महाद्वीप में है, तो आपको याद रखना है श्रीलंका एशिया महाद्वीप में है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू, तो आपको याद रखना है पाक, PALK पाक जल डमरू है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, पाक जल डमरू। अगर बात की जाए श्रीलंका की करेंसी रुपया है, श्रीलंकाई रुपया। और यहाँ पे बात की जाए श्रीलंका के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है, तो गोताबाया राजपक्षे जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षे। कौन है, महिंदा राजपक्षे। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आज के पांचवे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। आज का पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वही उन्हीं डिस्कशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्पफुल कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको हमारे द्वारा जो भी जानकारी बताई जाए वो जब आप एग्जाम में बैठे तो आप इन चीजों को याद करें कि हाँ जो मैंने चीजें बताई थी वो एग्जाम में रियल में आई है और एग्जाम ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्लियर हो गया। हाल ही में जारी महिलाओं की ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, यानी कि शेफाली वर्मा जो है वो टॉप पर रही है, यानी कि रैंकिंग में शीर्ष पर रही है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, भारत की बल्लेबाजी में शेफाली वर्मा पहले स्थान पर रही है और ऑस्ट्रेलिया की सूजी वेट्स, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की सूजी वेट्स दूसरे नंबर पर। पूछा जाए कि ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दूसरे नंबर पर कौन रही है, तो बताना होगा सूजी वेट्स। ये कहाँ की है, किस कंट्री की है, ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और अगर बात किया जाए नेक्स्ट तीसरे स्थान पे कौन रही है, तो तीसरे स्थान पे रही है वेद मुनी, तीसरे स्थान पे रही है, ये भी कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो इतनी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे बात आई है ICC की, तो ICC T20 आया है, यानी ICC के बारे में हम आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। ICC क्या है, ICC एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रेगुलेट करने वाली कंपनी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर बनाया गया था दुबई में। हेडक्वार्टर कहाँ था, HQ था इसका दुबई। क्लियर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि CEO कौन है ICC के, तो आपको याद रखना है मनु सहानी जो है ICC के CEO है और ICC के जो अध्यक्ष है शशांक मनोहर जो है आईसीसी के अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न छठवां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सुभाष चंद्र गर्ग को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। अभी सुशांत चंद्र गर्ग को आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो अब आंध्र प्रदेश आया है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में बता दें। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए जो नियुक्त किए गए हैं ये सुभाष चंद्र गर्ग, वो मुख्यमंत्री के सलाहकार है, यानी मुख्यमंत्री का नाम सबसे पहले आपको याद रखना है कौन है, बाई एस जगत मोहन रेड्डी। क्लियर हो गया। अगर बात करें गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रम जो है कौन है, यहाँ के गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल है। क्लियर हो गया। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार महेश्वरी जो है वहां के हाई कोर्ट के जितेंद्र कुमार महेश्वरी वहां के हाई कोर्ट के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें की बात की जाए तो लोकसभा सीटें हैं 25 और अगर बात की जाए राज्यसभा सीटें हैं 11 और अगर बात की जाए विधानसभा की तो 175 सीटें हैं। क्लियर हो गया। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जो कि वेलिंगटन द्वीप पे है। इसरो का अनुसंधान केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में, बट इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में ही है। जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील के ऊपर ही है वेलिंगटन द्वीप और वेलिंगटन द्वीप के ऊपर क्या है इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। क्लियर हो गया। इसरो आप जानते हैं कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इसरो का जो अनुसंधान केंद्र है आंध्र प्रदेश में ही बना है। अगर कोलेरू झील की बात करें तो ये कोलेरू झील जो है कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के जो है डेल्टा के बीचों बीच है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर ही स्थित है और आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश में ही है। क्लियर हो गया। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से मिलती है। आइए देखते हैं आज के सातवें क्वेश्चन पे। चलिए सातवें क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, यानी कि हाल ही में बेंजामिन
नेतन्याहू किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? ये बने हैं इसराइल। इसराइल एक कंट्री है जिसकी राजधानी है जेरूसलम, राजधानी है जेरूसलम। अगर हम बात करें यहाँ पे अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अब इसराइल किस महाद्वीप में है? सबसे पहला पॉइंट बनता है, आपको याद रखना है इसराइल जो है एशिया महाद्वीप में है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। इसराइल की करेंसी क्या है? इसराइली नई सेकेल। अगर बात करें राष्ट्रपति कौन है? रूबेन रिवलिन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूबेन रिवलिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्लियर हो गया कहाँ के? इसराइल के। और आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आठवां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आठवां क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स की हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुनील जोशी को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है क्रिकेट सलाहकार समिति जो सीएसी ने पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष चुना है। यहाँ पे नाम आ रहा है बीसीसीआई का, तो बीसीसीआई क्या है? जिस तरह आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि विश्व स्तरीय पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है, उसी तरह से भारत में जो क्रिकेट मैच जो रेगुलेट करती है उसका नाम है बीसीसीआई। ये कहाँ रेगुलेट करती है? भारत में, इंडिया में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली जो है संस्था है। अगर बात करें भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की, तो स्थापना हुई थी 1928 में इसकी बीसीसीआई की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बनाया गया मुंबई में और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सौरभ गांगुली बनाए गए। कौन? सौरभ गांगुली। गांगुली क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आज का नौवां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है कि 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार किसने प्रदान किया? आपको याद रखना है हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने, यह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित भी किया जाता है। और राष्ट्रपति कौन है हमारे भारत के? रामनाथ कोविंद। क्लियर हो गया। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हाल ही में किस राज्य के खोला चिल्ली को जीआई टैग प्रदान किया गया है? याद रखना है अभी जीआई टैग, जैसे कि मयूर गुड़ को भी जीआई टैग दिया गया था, हल्दी को जीआई टैग दिया गया था, तो यहाँ पे जो है खोला चिल्ली को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ की चिल्ली है? गोवा की चिल्ली है जिसे जीआई टैग मिल गया है। अब ये जीआई टैग क्या होता है? जीआई मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत होता है। अब ये दिया गया है गोवा राज्य को, तो गोवा राज्य में होने वाली जीआई टैग को, खोला चिल्ली को दिया गया जीआई टैग। तो गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ पे मुख्यमंत्री, हाल ही में कुछ दिन पहले गोवा के मुख्यमंत्री का निधन हो गया था, मनोहर पारिकर। अगर बात करें हम अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी पार्टी के हैं, याद रखिएगा। गोवा जो है, गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर बसा है, ये भी बिंदु याद रखना है आपको। अगर हम बात करें गोवा के गवर्नर कौन है, तो आपको याद रखना है सत्यपाल मलिक। क्लियर हो गया। गोवा में बात करें तो हाई कोर्ट जो है गोवा का मुंबई है, और मुंबई के जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि गोवा के उच्च न्यायालय का जो नाम है मुंबई है, और उच्च न्यायालय और न्यायाधीश जो है कौन है? प्रदीप नंद्राजोग। क्लियर हो गया। गोवा की लोकसभा की सीटें हैं मात्र दो, और यहाँ पे बात की जाए राज्यसभा की सीटें एक, विधानसभा की सीटें 40 है। क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गोवा अगर क्षेत्रफल में देखा जाए, एरिया में सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। क्लियर हो गया। अब लास्ट प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि गोवा जो है मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को हर साल, और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। ध्यान रखिएगा, 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, और 30 मई को हर साल गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है।
इसी के साथ आज के टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आज का कल का जो सवाल था हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल का सवाल था, भारत के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव प्रारंभ हुआ है? ये उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में प्रारंभ किया है। ये इसका सही जवाब था, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल ये है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 साल कर दी है? ये ए बी सी डी यानी कि असम, पंजाब, मणिपुर, मेघालय, इनमें से कौन सा सही जवाब है? किस राज्य ने अपने राज्य के सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की जो आयु है वो 2 साल घटा दी है? यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से बने रहिए आदर्श IAS अकेडमी के साथ और सपोर्ट कीजिए, डेली वीडियो को देखते रहिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।